हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमिलनाडु पीएससी ए एग्जाम 2018 का पार्ट टू डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडल्स 2.6 है टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडल्स 6.8 है। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल्स 6.8 है। फॉर ऑब्टेनिंग कंबाइंड एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडल्स 5.4 है। कंबाइंड एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल्स 5.4 है, तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है। तो फाइनेंस मॉडल्स कोर्स माइनस कंबाइंड बाय कंबाइंड माइनस फाइन होता है इनटू 100। तो फाइनेंस मॉडल्स कोर्स का जो है 6.8 है और कंबाइंड का 5.4 है। फाइनेंस मॉडल्स कंबाइंड का 5.4 माइनस फाइनेंस मॉडल्स फाइन का जो है 2.6 है इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन एरर इज रिफ्रैक्शन एरर आंसर है, ऑप्शन है इसका 1/5 ऑफ कर्वेचर एरर। तो रिफ्रैक्शन एरर जो है 1/7 होता है कर्वेचर एरर का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर सीसी इक्वल टू होता है -0.0785 डी स्क्वायर। डी जो है यहाँ पे किलोमीटर में है और सीसी जो आएगा वो मीटर में आएगा। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है सीआर इक्वल टू 1/7 टाइम्स सीसी करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। तो ये इक्वल टू हो जाता है +0.0112 डी स्क्वायर। नेक्स्ट है, द कंबाइंड करेक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली। कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू होता है कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन को, दोनों को हम सम करने के बाद जो है कंबाइंड करेक्शन होता है। तो ये जो है इक्वल टू होता है -0.0673 डी स्क्वायर। डी जो है यहाँ पे किलोमीटर में दिया है और किलोमीटर में ही हम फॉर्मूला में रखना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है सी जो है कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा 0.605 मीटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा ऑफर्ड बाय अ सेक्शन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम दिया हुआ है एंड सेक्शन मॉडल्स जेड इज गिवन बाय। फ्लेक्सरल फार्मूला जो है इक्वल टू होता है एम, फ्लेक्सरल फार्मूला होता है एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। सेक्शन मॉडल्स जेड इक्वल टू होता है आई बाय वाई, क्योंकि सेक्शन मॉडल्स के साथ जेड जो है के साथ रिलेशन है जेड सिग्मा और एम एम के बीच। तो सेक्शन मॉडल्स जेड इक्वल टू होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया बाय वाई मैक्स। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एम वाई बाय आई इक्वल टू एम बाय जेड लिख सकते हैं इसको। तो एम जो है इक्वल टू सिग्मा जेड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्सन देन द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज गिवन बाय। टॉर्सनल फार्मूला होता है टी बाय जे इक्वल टू टाउ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल। तो जी की जगह पे यहाँ पे सी दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी से दिखाया है, तो जी थीटा सी थीटा बाय एल इक्वल टू टाउ बाय आर, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है, द थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय वेयर ई इलास्टिक मॉडुलस है टी टेम्परेचर डिफरेंस है अल्फा जो है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे जो है स्ट्रेन है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल एल बाय एल, डेल एल बाय एल। तो यहाँ पे टेम्परेचर और कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के साथ रिलेशन है। तो एल लेंथ है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे रखेंगे डेल एल की जगह पे तो स्ट्रेन इक्वल टू हो गया अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस में अगर इसका वैल्यू रखेंगे स्ट्रेन तो ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट है, इफ टी इज द मीन और एवरेज टॉर्क इन नन अप्लाइड एंड एन इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट देन पावर पी ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट किलो वाट इज। पावर इक्वल टू होता है टी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन
बाय 60, तो पावर इक्वल टू हो गया 2 पाई एन 60 इंटू टी, और ये जो है वाट में आया है, वाट में आया है, तो इसको हम चेंज करेंगे किलो वाट में, तो किलो वाट में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 2 पाई एन टी बाई 6000 जो है ये जो है किलो वाट आ जाएगा 60000, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन द फ्लेक्सरल रिजिडिटी और फ्लेक्सरल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर इज, ई आई जो है फ्लेक्सरल रिजिडिटी होता है और फ्लेक्सरल स्टिफनेस होता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी बाय लेंथ होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ ई इज द यंग मॉडुलस एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ जो है एल कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट फ्री एंड, कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे जो है डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू बाई 3i होगा और एंगल जो है यहाँ पे होगा थीटा इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2ei, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इफ E is young modulus and I is moment of inertia, then the expression EI dq y by dxq at any section for a beam is equal to, ऑप्शन है यहाँ पे लोड इंटेंसिटी एट द सेक्शन, शियर फोर्स एट द सेक्शन, लोड इंटेंसिटी जो है W होता है ये इक्वल होता है dV by dx का, और dm by dx इक्वल टू होता है भी स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन जो है इक्वल टू होता है सीयर फोर्स एट दैट सेक्शन, और डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू डब्ल्यू होता है स्लोप ऑफ सीयर फोर्स डायग्राम इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोड, तो एम बाय ईआई इक्वल टू जो है डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्स स्क्वायर होता है, ये रिलेशन मुझे पता है, तो इसके हेल्प से हम जो है इस तरह का रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ईआई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम हो गया, और एम जो है भी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स होता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ई आई डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू बी, तो ये इक्वल हो जाएगा सीयर फोर्स एट द सेक्शन के, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन प्लास्टिक एनालिसिस द सेफ फैक्टर फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन का 2.34 होता है, सेफ फैक्टर 2.34 ट्रायंगुलर स्क्वायर के लिए 1.5, सर्कल का 1.7, डायमंड का 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम देन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम फॉर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, इस केस में जो है इफेक्टिव लेंथ जो है होता है 2l। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड 10 mm एंड डेप्थ जो है 12 mm इज, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है इक्वल टू होता है जेड फी इक्वल टू ए बाई 2 इंटू वाई 1 प्लस वाई 2, वाई 1 और वाई 2 जो है ये है इक्वल एरिया एक्सिस से जो है सीजी का डिस्टेंस जो है ऊपर और नीचे है, और सेक्शन जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो बी डी एरिया जो है अगर हम बी विड मानते हैं और डी डेप्थ मानते हैं, तो बी डी बाई 2 होगा और उसके बाद वाई 1 हो जाएगा, इसका जो है इक्वल एरिया एक्सिस होगा डी बाई 2 पे, तो डी बाई 2 से अगर हम यहाँ से सी जी से देखेंगे इक्वल एरिया एक्सिस से जो है सी जी का डिस्टेंस वाई 1 जो होगा वो डी बाई 4 होगा और y2 भी डी बाई 4 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी डी स्क्वायर बाई 4 आता है, तो b जो है क्वेश्चन में 10 दिया है, d दिया है 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 360 mm³ आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट अ सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी डायग्राम जो है सिंपली सपोर्टेड का जो है मूलर वेस्ली थ्योरम से इस तरह से बनेगा,
ट्रायंगल बनेगा और इसका जो है सपोर्ट पे ऑर्डिनेट जो है वन आएगा, मिड मिड स्पेन पे 1/2 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मैच लिस्ट वन एंड विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर, नेम ऑफ द एसोसिएटेड विद द मेथड्स। जी एन मैंने जो है उसके बाद हार्डी क्रॉस, यूलर्स, क्लैपिरन, जी एन मैनी होता है स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए मेथड होता है, गिव देता है, हार्डी क्रॉस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इलर है क्रिपलिंग लोड ऑन कॉलम, क्लैपिरन जो है ये थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, तो इसको ये जो है इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ए का हो जाएगा टू, उसके बाद बी का हो जाएगा हार्डी क्रॉस का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो वन, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।